ओके हेलो स्टूडेंट्स, और देखते हैं एंट्री। पहले कार परचेस्ड, कार खरीदने की। अगर कार आपने 5 लाख की खरीदी है, कार अकाउंट डेबिट टू कैश 5 लाख रुपए। अगर आपने कार बेची है तो इसको उल्टा उल्टा कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू कार। लेकिन अगर कार की वैल्यू कम हो जाती है, इट मीन्स डेप्रिशिएट, यानी कि डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर वैल्यू कम हो गई है कार की तो उसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन चार्ज ऑन कार ₹50,000। 50,000 की वैल्यू की कार कम हो गई, आया क्या गया क्या? कार चली गई 50,000 की वैल्यू से, कम हो गई, आया क्या? डेप्रिशिएशन, खर्चा आ गया आपके घर। 50,000 की वैल्यू घट गई है, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू कार। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, खर्चा आया पैसा गया, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, माल बेचा आपने कैश में, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इस पे हम कुछ आज डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपने किसी को माल बेच दिया 10,000 का कैश में, लेकिन वो कहता है कि मैं 10,000 रुपए से कम दूंगा आपको। 10,000 रुपए से क्या करूंगा? थोड़ा पैसा कम दूंगा, यानी कि आपको वो हो सकता है 100 रुपए कम दे, 9,900 रुपए आपकी जेब में आ गए। उसको बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। और डिस्काउंट हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। डिस्काउंट हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, देखते हैं। डिस्काउंट 2 टाइप्स के, एक होता है कैश डिस्काउंट, दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट यानी के ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए बुक लेने जाते हो, बुक लेने जाते हो, आपको 500 रुपए की बुक वो दुकानदार बेच रहा है, उसको कहो कि आप डिस्काउंट कितना दोगे। वो कहेगा मैं 500 रुपए के ऊपर, मान लीजिए बुक की कॉस्ट है, बुक है, वो कह रहा है जी 500 रुपए। तो आपने ये देखो, हर कस्टमर कहता है कि डिस्काउंट कितना मिलेगा, तो डिस्काउंट उसने कहा जी मैं इस 500 रुपए पे 10% डिस्काउंट दे दूंगा मैं। यानी कि ये थोड़ी है शॉपकीपर अपनी जेब से आपको कम देगा। मान लीजिए अगर वो 500 रुपए की बुक लेके आता है तो आपको 500 से कम की कैसे बेच देगा? नहीं, वो कम की ही लाता है, आपको उसमें प्रॉफिट जोड़ के आपको बेचता है। मान लीजिए 500 रुपए की बुक है, वो आपको 10% का, मान लो इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट 10% 500 रुपए का, 500 × 10/100 यानी कि 50 रुपए। 50 रुपए माइनस कर दो, ये आ गया आपको 450 रुपए। 450 की वो आपको बुक देगा। जो ये डिस्काउंट उसने काट के दिया है, इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ये दुकानदार को पीछे से मिल रहा है, पब्लिशर की तरफ या पीछे से जो होलसेलर की तरफ से, वो आपको कम करके 450 की दे देगा। लेकिन मान लीजिए 1% आपके पास 450 रुपए नहीं है, 449 है, 1 रुपया कम है, ये आप उसको कह रहे हो 449, कह रहे 1 रुपया कम है मेरे पास, आप मुझे ये बुक दे दो 449 में, 1 रुपया कम है। वो कहेगा कोई बात नहीं, ठीक है ले जाओ, आप मुझे 449 दे दो। आप मुझे एक बात बताइए, अगर वो 1-1 रुपया सबको डिस्काउंट देगा, मान लीजिए उसकी शॉप पे बहुत अच्छा रश है, बहुत अच्छा रश है, खूब सारे कस्टमर आते हैं, और 10,000 कस्टमर आ गए, और 10,000 कस्टमर्स अगर मान लो 1-1 रुपए की छूट दे,
वो कह रहे एक एक रुपया कम देंगे, 10,000 कस्टमर्स। तो दुकानदार को तो हर रोज का 10,000 का घाटा हो जाएगा। 10,000 × 30 दिन अगर वो दुकान खोलता है, 10,000 × 30 कितना, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का उसको घाटा हो जाएगा। वो ऐसा नहीं होने देगा, वो आपको डिस्काउंट देगा, डेफिनेटली देगा। तो किसी और से वो पैसे कम देगा कई बार, जैसे मान लीजिए 1 रुपया खुला नहीं है तो कहेगा कोई बात नहीं फिर कभी ले जाना, तो कस्टमर नहीं लेने जाता, 1 रुपए के लिए कौन जाता है। तो कह रहा ठीक है, तो वो वहां से सेट ऑफ कर लेता है, उसको वहां से एडजस्ट कर लेता है। लेकिन ये अपना 1 रुपए की एंट्री ये जरूर करता है अपने माइंड में या अपनी बुक में कि मुझे ये 1 रुपया, ये कस्टमर अगर 449 रुपया 450 के बदले 449 1 रुपया कम देके गया है, तो इस रुपए को मैं 1 रुपया किसी और से लूंगा। लेकिन इसको पक्का रिकॉर्ड करेगा 1 रुपए को, इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा 50 रुपए को, क्योंकि 50 रुपए की रिकॉर्डिंग नहीं है। 50 रुपए तो उसको पीछे से पब्लिशर ने दिया है उसको डिस्काउंट, इसलिए 50 रुपए की एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन 449 और 1 रुपया उसकी एंट्री जरूर होगी। तो हम देखते हैं इसका, इसकी एंट्री क्या होगी। 449, अगर वो ये कह देता है, डिस्काउंट शो करता है तो क्या एंट्री होगी, और डिस्काउंट शो नहीं करता है तो क्या एंट्री होगी। अगर मान लीजिए आपने बुक खरीदी, बुक परचेज ₹500 एंड ट्रेड डिस्काउंट अलाउड एट द रेट 10%, अगर 10% का डिस्काउंट है और बुक्स परचेज बाय 500 बाय कैश, कैश में खरीदी आपने, पहले तो हम इस ट्रेड डिस्काउंट के बारे में ट्रीटमेंट करते हैं, फिर इसकी एंट्री करेंगे। अब देखते हैं इसकी एंट्री क्या होगी। अगर ये इतना एंट्री है, अगर इतना क्वेश्चन है तो क्या होगी, एंट्री होगी। आपके पास बुक आई, यानी कि बुक खरीदी आपने, बुक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बुक खरीदी, आप ये 500 रुपये शो नहीं करोगे, 500 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट टीडी 50, 450 की एंट्री इसके अंदर होगी आपकी बुक्स के अंदर, ₹450 की, ठीक है जी, ₹450 की एंट्री होगी। अगर मान लीजिए ये कहता है इस 449 की एंट्री भी करो, देखते हैं इस 449 की क्या एंट्री होगी। अगर ये यूं कहता है फुल सेटलमेंट बुक्स परचेज्ड ₹500 एंड ट्रेड डिस्काउंट 10%, और फिर कहता है फुल सेटलमेंट बाय ₹449। अगर ये डिस्काउंट दिखाने की बात नहीं कर रहा है तो डिस्काउंट मत दिखाओ, लेकिन अगर ये कहता है डिस्काउंट दिखाओ तो क्या एंट्री होगी, और बिना डिस्काउंट दिखाए क्या एंट्री होगी। लेकिन जैसे आपने बुक खरीदी, बुक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अब 500 की खरीदी माइनस 10% टीडी ₹50, 450 की रह गई, 450
450 की रही। इसके बाद अगर वो ये कहता है फुल सेटलमेंट कर दो, मान लो फुल सेटलमेंट आपका कैश डिस्काउंट है ₹1 449 पे, अगर वो कहता है फुल सेटलमेंट कर दो, फुल सेटलमेंट में डिस्काउंट को शो नहीं करना है कि ₹1 कहां गया हुआ है, इसको छोड़ दो। लेकिन अगर वो डिस्काउंट कह देगा तब अलग एंट्री होगी। इसमें सिंपल है, इसको उठा के 449 यहां दिखा लो, 449 449, यानी कि आपके जेब से 449 चले गए। इस ₹50 की एंट्री कहीं नहीं करनी है ट्रेड डिस्काउंट की, इसकी एंट्री कहीं नहीं करते हम। तो ये थी एंट्री आपकी। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।